आपने अपने लाइफ में ये कभी ना कभी तो सुना ही होगा या फिर किसी ने आपको कहा होगा कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। सो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है एंड वी विल एक्सप्लोर दिस। सो मान लेते हैं एक पेंटर होता है एंड वो उनका प्रोफेशन पेंटिंग करना होता है, बहुत ज्यादा खूबसूरत पेंटिंग बनाते हैं। सो होता यह है कि जो वो पेंटिंग बनाते हैं ना, तो उनके दिमाग में बहुत ज्यादा खिचड़ी पकती है कि उनकी पेंटिंग अच्छी बनी है कि नहीं, उनकी पेंटिंग अच्छी बनेगी कि नहीं, अच्छी अच्छे से बिकेगी कि नहीं, उनको पैसे मिलेंगे कि नहीं, उनको कस्टमर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, जो कस्टमर्स मिलेंगे वो उन्हें बराबर पे करेंगे कि नहीं, या फिर पे करने के बाद उनका घर चलेगा कि नहीं, ये सब कुछ वो सोचते रहते थे। सो यहाँ पर ये हो रहा है कि वो जो पेंटर है वो पेंटिंग बना रहा है एंड वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। सो आपको क्या लगता है कि वो अच्छी पेंटिंग बना पाएगा? जस्ट थिंक, क्या लगता है आपको कि बना पाएगा वो अच्छी पेंटिंग? वेल, नहीं बना पाएगा वो अच्छी पेंटिंग। क्यों? क्योंकि वो पूरी टाइम फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, कैसे बनाएगा। अगर वो पूरी तरह से फोकस ही नहीं करेगा, 100% एफर्ट ही नहीं डालेगा, तो कैसे बनाएगा? सो बहुत सारे जो फेमस आर्टिस्ट है लाइक पिकासो, तो उनको ना इंटरव्यू में पूछा गया था कि वो इतनी अच्छी पेंटिंग कैसे बनाते हैं जिससे उनकी जो पेंटिंग है वो करोड़ों में बिकती है, क्या करते हैं वो लोग। तो वो बताते हैं कि वो बहुत ज्यादा फोकस होके वो पेंटिंग बनाते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी पेंटिंग की जो प्राइस होती है वो करोड़ों में होती है। पिकासो जब पेंटिंग बनाते थे ना, तो उसके आसपास के लोग बोलते थे कि जब वो पेंटिंग बनाते हैं तो उनसे बात करने की जब कोशिश करते थे तो वो रिप्लाई नहीं देते थे। ही यूज टू बी सो फोकस, सो डिटरमाइंड। तो बोलते हैं, पिकासो बोलते हैं कि जब वो कोई काम करते हैं इतनी ज्यादा फोकस के साथ करते हैं कि उन्हें उस काम के अंदर इतना ज्यादा मजा आता है, इतना ज्यादा फुलफिलमेंट फील होता है कि उन्हें जो आउटपुट है उसके बारे में वो चिंता ही छोड़ देते हैं, उसके बारे में सोचते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें जो कुछ भी चाहिए रहता है ना वो पेंटिंग बनाते टाइम ही उन्हें सब कुछ मिल जाता था। तो बोलने का मतलब ये है कि आप अपने लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो, सपोज आप डांस करते हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप सेल्स प्रोफेशन में हो, या फिर आप कोई पेंटर हो, आप कोई आर्टिस्ट हो, आप राइटर हो, सो आपको उसमें ना अपना पूरा 100% देना है एंड इस वे में देना है कि आपको उसके आउटपुट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जो है वो इस मोमेंट में आपको जो करना है इसी मोमेंट में करना है, इसी काम में करना है एंड जितनी भी आपकी खुशी है ना उस काम में ढूंढ लो आप। अगर आपने बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ा होगा, स्टडी किया होगा, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, तो आपने ये नोटिस किया ही होगा, ऑब्जर्व किया ही होगा कि वो अपने काम को लेके बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। लाइक इलॉन मस्क, उन्होंने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। वो अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव इसलिए कर पाया क्योंकि उन्होंने अपने काम पे फोकस किया, ना कि आउटपुट पे। वेल, आउटपुट पे फोकस करना इज नॉट अ बैड थिंग, बट बस आउटपुट के बारे में ही सोचना इज नॉट अ गुड थिंग। ऑल बोलना ये है कि जो भी आप कोई काम कर रहे हो उस काम को पूरा अपना 100% दो, उसके अंदर बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो जाओ, फोकस्ड हो जाओ एंड आउटपुट के बारे में ज्यादा मत सोचो, क्योंकि अगर आप आउटपुट के बारे में सोचोगे देन आप काम नहीं कर पाओगे, पूरा 100% नहीं दे पाओगे, आपके दिमाग में बस वो आउटपुट चलता रहेगा एंड एज अ रिजल्ट आपका जो डिजायर्ड आउटपुट है ना वो कभी अचीव ही नहीं हो पाएगा जो आप एक्चुअल में चाहते हो अचीव करना। सो डोंट फोकस ऑन आउटपुट। होता यह है कि जब आप अपने काम को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करते हो ना, तब आप बहुत ज्यादा आउटपुट ओरिएंटेड हो जाते हो, जिसके वजह से जो भी आप कोई काम कर रहे हो उसके अंदर आप अपना 100% नहीं दे पाते, क्योंकि आपके दिमाग में तो वही आउटपुट चलता रहेगा ना, कैसे आप दे पाओगे। एंड अगर आप कोई काम कम्प्लीट भी कर लेते हो ना, तब आपके अंदर वो फन एलिमेंट नहीं रह पाएगा जो आपको एक्चुअल में चाहिए रहेगा वो काम करने के लिए। आप अपने काम को एंजॉय नहीं कर पाओगे, आप उसको फील नहीं कर पाओगे, आपको फुलफिलमेंट फील नहीं होगा, आप खुश नहीं रह पाओगे वो काम करके, बेसिकली आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। जब आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हो, अपने पास्ट को लेके नहीं बैठते हो एंड आप आउटपुट के बारे में नहीं सोचते हो, तो आपके पास क्या होता है? आपके पास पूरा प्रेजेंट होता है एंड जिसकी वजह से आप प्रेजेंट में काम करके, जो भी आप कुछ काम कर रहे हो उसके ऊपर फोकस करके, आप अपने लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। तो यही बोला है गीता में कि कर्म करते जाओ, मतलब अपने काम पे फोकस करो, अपने काम में पूरा अपना 100% दे दो,
उस काम में आपको एंजॉयमेंट फील होनी चाहिए, उस काम में आपको सेटिस्फेक्शन फील होनी चाहिए, आपको यही लगना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हो ना वही आपके लिए सब कुछ है। एंड फल की चिंता मत करो, इसका मतलब ये है कि आपको आउटपुट के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप आउटपुट के बारे में सोचोगे देन आप अपने काम में पूरा 100% नहीं दे पाओगे, बस आप आउटपुट के बारे में सोचते रहोगे। एंड होगा ये कि जैसे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए ना वो आपको नहीं मिल पाएंगे। सो जस्ट मेक श्योर आप जो भी काम करते हो पूरी फोकस के साथ, पूरे डेडिकेटेड होके एंड पूरा खुद को इन्वॉल्व करके वो काम करो, ना कि बस आउटपुट के लिए।